5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamu alaikum. आतिफ बंगश अपने 19th एपिसोड के साथ और आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि आपकी जो कॉर्पोरेट वेबसाइट है और जो आपका ई बिजनेस है, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब आपने ई बिजनेस की तरफ जाना है तो उसका एक मेजर जो टूल है दैट इज़ वेबसाइट। तो अब हम आज ये डिस्कस करेंगे कि आप एक कॉर्पोरेट वेबसाइट को कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले इसके कई पहलू हैं। एक तो ये कि डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे, फिर दूसरा आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी जो आप ऑनलाइन लेके जा रहे हैं उस हिसाब से देखेंगे, और तीसरा ये कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है कि आपकी वेबसाइट उनको कैटर कर रही है। इसमें सबसे पहले हम डिज़ाइन को डिस्कस करते हैं। तो वेबसाइट का डिज़ाइन जिसमें आपका जो कलर स्कीम्स आ जाती हैं उनको हम देखते हैं, क्या किन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। कलर स्कीम हमेशा वो सेलेक्ट करें जो आपके लोगो में है। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जो आप कलर्स लोगो में आपका जो ब्रांड है उसमें इस्तेमाल करते हैं उन्हीं कलर स्कीम्स को आप लेके चलें, या आप ऐसे कंट्रास्ट डेवलप करें आपकी वेबसाइट में, ऐसे कंट्रास्ट हों जो बैकग्राउंड कलर्स या बैनर कलर्स जो आप यूज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी जो आइडेंटिटी है दैट इज़ योर लोगो, वो बड़ा प्रोमिनेंट होकर सामने आए। ये चीज़ें, ये जो आपकी मेन आइडेंटिटी है बेसिकली, आपने वेबसाइट जो है इसका, इसमें सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल क्लियरली आपके जो आपका जो विजिटर है वेबसाइट पे उसको पता लगे कि आप क्या, जो ब्रांड नेम है वो क्या है। और इसमें लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि बहुत सारी जो आजकल बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, वो बेशक यूज़ करें, कोई मसला नहीं उसमें यूज़ करने में, लेकिन टेम्पलेट का कंटेंट और टेम्पलेट का जो डिज़ाइन है वो किसी और तरफ, किसी और एंगल से डिज़ाइन किया हुआ होता है। आपकी सर्विसेज या आपकी प्रोडक्ट्स किसी और मिजाज के हैं तो वो मिसमैच क्रिएट हो जाता है, जिससे जो व्यूअर है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कि जैसे अब अगर बच्चों की कोई प्रोडक्ट है तो आपकी कलर स्कीम्स, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए, कलर्स उस हिसाब से होने चाहिए, यूथ की है या फिर थोड़े से बड़े लोगों की है, तो एजड लोगों की है, तो उस हिसाब से आपने उनको जो हमारे वो बढ़ती उम्र के साथ जो मिजाजों में तब्दीली आ रही होती है उस हिसाब से अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना है। और कलर्स इस दुनिया के में जो मेन अट्रैक्शन है वो है ही कलर्स, के ये एक मल्टी कलर प्लैनेट लमिया है बनाया, तो इसमें हम लोगों को फैसिनेशन यही है कि जो हमारी आँख दिन भर में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस कलर्स के देख रही होती है। अगर आप पहाड़ों को देखें, अगर आप किसी भी नेचर में जब आप देखते हैं अपने इर्द के जो भी कॉम्बिनेशंस डेवलप किए जा रहे होते हैं वो कलर्स किए जा रहे होते हैं, तो कलर्स हमारी ज़िंदगियों में और इस दुनिया में बहुत अहम है जो भी चीज़ हम देखते हैं। तो मैं इस चीज़ पे बहुत हमेशा जोर देता हूँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग में कि आपकी जो कलर स्कीमिंग है वो बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक्स लें। और इसका बेहतरीन हल यही है कि जो आपने अपना ब्रांड, अपना जो लोगो क्रिएट किया है उसमें जो कलर्स आपने यूज़ किए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करें अपने मुख्तलिफ कॉन्टेंट्स की प्लेसमेंट में। तो दूसरी चीज़ आजकल जो वेबसाइट का एक सबसे अहम चीज़ है,
के डिज़ाइन शुड बी रिस्पॉन्सिव, यानी कि डिज़ाइन हर तरह की स्क्रीन में अपने आप को अकोमोडेट करें, क्योंकि अब ट्रेंड ये है कि डेस्कटॉप व्यूअरशिप तकरीबन ख़त्म होती जा रही है. ज़्यादातर वेबसाइट्स या वेब कंटेंट्स जो हैं वो अपने मोबाइल डिवाइसेस पे या टैबलेट्स वगैरह पर देखे जा रहे हैं. तो आपकी वेबसाइट अब ज़्यादा इसी तरीके से बनाई जाती है कि वो मुख्तलिफ स्क्रीन्स में फिट इन हो जाता है. अगर वो 20 इंच की स्क्रीन में प्लेस हो रही है, या वो आईपैड में आ रही है, या टैबलेट्स में आ रही है, या वो बड़ी से बड़ी स्क्रीन पर LEDs और LCDs में कर रही है, तो अपने आप को एडजस्ट करे और व्यूअर को एक बड़ा क्लियर प्रेजेंट करे अपने आप को. तो ये इस चीज़ को हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं कि योर डिज़ाइन शुड बी रिस्पॉन्सिव अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन और स्क्रीन साइज. तो इस चीज़ पे आपने क्या रखना है. फिर जो आजकल एक और ट्रेंड है वो है कि सिंगल पेज वेबसाइट्स क्रिएट होते हैं. वो इसी वजह से है कि क्योंकि इंटरनेट पे जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं उनमें जो कनेक्शंस हैं, कनेक्शन स्पीड्स हैं डेटा की, वो बड़ी लिमिटेड होती है. खैर अब तो वो भी बहुत फास्ट हो गया है, 3G और 4G पे हम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यूज़र अपनी मोबाइल डिवाइसेस पर जब वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है तो वो ज़्यादा क्लिकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो रहा होता है. उसमें अब उसमें मज़ीद नहीं है कि वो आपके मेन्यू को जा कर चेक करेगा और मेन्यू में से अबाउट अस या प्रोडक्ट्स या उस चीज उन चीज़ों को क्लिक करेगा. वो ये चाहता है कि जो फर्स्ट पेज उसके मोबाइल डिवाइस पर खुल जाए इन रिस्पॉन्सिव मैनर, तो वो उसमें उसको उस मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कंपनी एंड योर बिजनेस मिल जाए. तो इसी वजह से सिंगल पेज जो वेबसाइट डिज़ाइंस हैं वो क्रिएट होना शुरू हो गए. अब इसलिए आपने ये स्ट्रेटजी अपनी देखनी है कि एक तो या तो अगर आपकी छोटी सी वेबसाइट है, आप सिंपल पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हैं जिसमें आप सिर्फ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप कोशिश करें कि सिंगल पेज में ही अपना तमाम बेसिक कंटेंट प्लेस करें, अच्छे खूबसूरती के साथ प्रेजेंटेशन अच्छी हो, और उसको आप फर्स्ट पेज पर प्लेस करें. और क्योंकि व्यूअरशिप अभी भी दूसरी डिवाइसेस और डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी आ रही है, लैपटॉप से आ रही है, तो उनके पास 15 इंच और 22 इंच की स्क्रीन्स पे उन्होंने चेक करना है, तो उनके लिए आप क्लिकिंग के लिए मेन्यूज या नेविगेशन अपनी बार क्रिएट कर सकते हैं. और इसके बाद जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो है कंटेंट. अगर कभी आपने रिसर्च की हो कि जो इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज़ की अमेरिकन या यूरोपियन वेबसाइट्स होती हैं और जो हमारी पाकिस्तान की वेबसाइट्स बनती हैं, इसमें कंटेंट की बहुत कमी होती है. वो इसलिए कि हम जो बिज़नेस करते हैं हम लिखना नहीं जानते, अपने आप को लिख के प्रेजेंट नहीं कर सक रहे होते. हमारे पास क्योंकि मेरा बिज़नेस यही है, वेबसाइट्स की डिज़ाइनिंग का एक पूरा हमारा डिपार्टमेंट है, तो वो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादातर हमें 20 साल 25 साल से वो बिज़नेस कर रहे हैं अपने आप से, लेकिन वो हमें कहते हैं कि आप हमारे बारे में लिखते हैं, खुद से लिखते हैं, क्योंकि वो अपना प्रोफाइल अपना वो चीज़ अपने बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते. तो उसमें जो कॉपी राइटिंग क्योंकि एक बिल्कुल अलग फील्ड है, कॉन्टेंट डेवलपर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो करते हैं, तो खैर अब अगर वो कंपनी अफोर्ड कर सकती है कंटेंट डेवलपमेंट या ये कंटेंट राइटर्स को, तो फिर तो वो उनसे लिखवा लेती है. लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो वेब डेवलपर्स होते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, घरों में बैठे डिज़ाइन कर रहे हैं और कम पैसों में काम कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादातर उसी किस्म की वेबसाइट्स दुनिया की देखते हैं और वहाँ से कंटेंट को डेवलप करते हैं, कुछ आगे पीछे करते हैं और वो डालते हैं. क्योंकि हमारा जो डेवलपर है वो कोई कंटेंट राइटर तो नहीं है, इट्स बिल्कुल एक अलग फील्ड है राइटिंग्स की. तो
तो इसलिए वो बेचारा अपनी, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो वो इधर उधर से वेबसाइट्स कंटेंट, ज़्यादातर इंडियन वेबसाइट्स जो हमसे मिलती चलती होती हैं, थोड़े से उसमें वहाँ से कंटेंट लेकर डाल देते हैं आप। मसला ये है कि हमारे यहाँ को कॉपीराइट इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया जाता या इन प्रैक्टिसिंग नहीं है, तो कोई भी इसमें इतनी उसमें नहीं जाता। हम पिक्चर्स बड़े खुले हम एक दूसरे की वेबसाइट से लेकर लगा लेते हैं, क्योंकि जिसने लगाई होती है, जिसे आप ले रहे होते हैं, उसने भी किसी और से ली होती है, तो इसलिए यहाँ पे। लेकिन आप बाहर जब हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, तो हम बकायदा जो इमेजेस हैं वो परचेज करते हैं। हम वहाँ पे जो ऑपरेशन, जो बिजनेसेस वहाँ पे हैं, कैनेडियन वेबसाइट्स हैं बनाई हैं, यूके की हैं, तो वहाँ पे हम किसी का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, फॉरेन कॉपीराइट एक्ट एक्टिवेट हो जाता है। और वो इस चीज़ से डरते भी बहुत हैं, क्योंकि हैवी फाइन्स हैं इसमें। तो ये चीज़ के कंटेंट डेवलप करने की कोशिश करें, ओरिजिनल चीज़ नज़र आती है। तो जब आपने ये सोच ही लिया है कि वेबसाइट आपने डिज़ाइन, अपने ई बिजनेस, अपनी विंडो खोलनी है इंटरनेट के ऊपर, कि जहाँ पर आप के लोग आकर आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में देख सकें, पढ़ सकें और आपसे इंटरेक्ट कर सकें, तो उस पर तवज्जो दें। डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनर तो कोई भी आपसे कोई भी डिज़ाइन कर देगा, आपको पसंद भी आ जाएगा, लेकिन उसमें चीज़ें कभी कभी बड़े ब्लंडर्स हो जाते हैं। कहीं से आपने कॉपी करके लिखा होगा, आप पढ़ते नहीं हैं, वो सारा उसी जहाँ से कॉपी किया होता है वहीं उसी का कंटेंट नज़र आना शुरू हो जाता है उनमें, तो इट्स अ लिटिल एम्बैरेसमेंट फॉर द कंपनीज। तो कंटेंट पे तवज्जो दें, कंटेंट बहुत अहम है, जिसको आप बिल्कुल अहमियत नहीं देते। अब यहाँ पे एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझें, और हमेशा अपने वेबसाइट को बनाने से पहले इस इन चीज़ों को, इस कॉन्सेप्ट को ख्याल रखें। इसको हम आइडा कहते हैं, AIDA। किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले आप आइडा का ख्याल रखें, ए मेन अटेंशन सीकर, यानी कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि फौरन देखने वाले की अटेंशन को ग्रैब करे, ठीक है, फौरन उसको अच्छा लगे, फौरन उसको खूबसूरत लगे, वो उसकी आँखें उस पर ठहरें, ठीक है। ये मार्केटिंग में हम आईबॉल मैनेजमेंट करते हैं, तो उसकी अगर आपकी कंटेंट बड़ा अच्छा प्रेजेंट हुआ हुआ होगा, बड़े तरीके से हुआ होगा, और कलर्स और सब कुछ बड़ा अच्छा सिमेट्री हो, तो आपका जो जो व्यूअर है, जो विजिटर है, वो ठहरेगा, वो अच्छा महसूस करेगा और फौरन आपकी बिजनेस की तरफ मुतवज्जो होगा। और उसके बाद ए के बाद आई, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। आपकी वेबसाइट में आपने कुछ ऐसे फीचर्स या ऐसे कंटेंट डालना है, डेवलप करना है, जिससे जो विजिटर आ रहा है उसके इंटरेस्ट डेवलप, आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में या आपके आइडिया के बारे में उसको फौरन इंटरेस्ट डेवलप, अटेंशन हुआ, अटेंटिव हुआ वो आपकी वेबसाइट की तरफ, आपको उसने आपकी वेबसाइट उसको पसंद आ गई, अब उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, दैट इज डिसीजन, दैट इज डी, डी फॉर डिसीजन। वो ये अपने दिमाग में, उसका दिमाग उस तरफ चलेगा कि आई एम गोइंग टू वर्क विद दैट कंपनी, और आई एम इंटरेस्टेड इन इट्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। तो वो उस तरफ उसका डिसीजन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। The A is actionable features. आपकी वेबसाइट में एक्शनेबल टूल्स होने चाहिए, जहाँ पे आपका व्यूअर जो है वो अगर इस पूरे प्रोसेस से गुजर के इस लेवल तक पहुँच गया है कि आपको कोई एक्शन लेना चाहता है, तो वो टूल उसके पास मौजूद। ई बिजनेस वेबसाइट्स में जहाँ पर ई कॉमर्स अभी हमने एक्टिवेट नहीं किया,
ई कॉमर्स की बेसिस पे तो एक्शन यही होगा ना कि वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर ले। ई बिजनेस की वेबसाइट में वो फौरन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा। जब वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो वो आपका कॉन्टैक्ट वाले पेज में जाएगा, वहाँ पे वो देखेगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स के नंबर्स या टेलीफोन नंबर्स वगैरह मौजूद हैं, एड्रेस क्या है और ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म मौजूद है या नहीं, कि ताकि वो उसको फौरन फिल करे और आपको सेंड कर दे क्यूरी। कोई रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन फॉर्म्स मौजूद हैं, रिक्वेस्ट प्रपोजल फॉर्म्स मौजूद हैं। ये दीज आर ऑल टूल्स ऑफ ई बिजनेस, एक्शनेबल टूल्स। और या कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन न्यूज़लेटर सिस्टम आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट हुआ हुआ है ताकि वो अपने आप वो आपके बारे में उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है आपका, वो चाहता है कि वो अपने आप को कीप हिमसेल्फ इंफॉर्म्ड अबाउट योर अपकमिंग इवेंट्स एंड मोर प्रोडक्ट्स, तो वो फौरन अपना सब्सक्रिप्शन न्यूज़लेटर का सिस्टम अपने इनकॉर्पोरेट करें अपनी वेबसाइट में, जहाँ पे आप वो सब्सक्राइब कर सके आपको अपना ईमेल और नाम दे के, ताकि वो हमेशा आपके साथ इन कॉन्टेक्ट रहे। जब वो सब्सक्राइब कर लेगा तो इट इज़ लेजिटिमेट कि आप उसको बार बार अपना न्यूज़लेटर सेंड कर सकें। वो स्पैमिंग नहीं होती है, स्पैमिंग वो होती है जिसमें आप बगैर पूछे किसी को ईमेल करते जा रहे हैं, उसका इनबॉक्स फिल होता है, वो अपनी मर्जी के बगैर आपका जो कॉन्टेंट है रिसीव कर रहा है डेली बेसिस पर, वो इलीगल है, वो स्पैमिंग आता है वो। लेकिन अगर वो आपकी वेबसाइट पर आकर सब्सक्राइब कर लेता है और उसके बाद वो अगर अब हर महीने हर हफ्ते या इवन डेली वो आपकी कोई आपसे कोई ईमेल रिसीव कर रहा है, एसएमएस रिसीव कर रहा है, दैट इज़ लीगल, क्योंकि इट वॉज हिज और हर ओन चॉइस टू स्टे इन कॉन्टेक्ट विद हिम। तो ये चीज़ें देखें। इसके बाद एक अहम चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अपनी वेबसाइट की जो नेविगेशन सिस्टम है उसको बड़ा सिंपल और ऑलवेज ओपन टू क्लिक रखें, कि कोई ऐसा क्लिक ना हो जो आपकी वेबसाइट पे मौजूद हो जो डेड एंड पेज लिखे जाए। हमेशा अपनी जो हाइपर लिंकिंग है वेबसाइट की, हमेशा ओपन रखें और कभी भी यूज़र अपने आप को स्टक महसूस ना करे। वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली आपको जो लिंक्स हैं दूसरे पेजेस की तरफ ले जो लेके जा रहे हैं वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली वेल प्लेस्ड होने चाहिए, ताकि इजीली उसको वो नेविगेट कर सके दूसरे रेलिवेंट और इंटरेस्टेड पेजेस पे वो जा सके। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना कि नेविगेशन शुड बी वेरी ईजी। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि आप रेफरेंस मॉडल्स या इसको इजी हम कहें टेस्टिमोनियल्स वगैरह अपनी वेबसाइट में एंटर करें। टेस्टिमोनियल कई तरीक़ों से हो सकते हैं, या तो आप सिंपल अपने प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हुए हैं जो आपके बायर्स हैं जो वो उनके रिमार्क्स आपके बारे में और उनकी फीडबैक आपके बारे में वो आपकी वेबसाइट में मौजूद होने चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, रिव्यूज़ होने चाहिए आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ काम करने में, वो उसको शेयर करें, जिससे एक नए पोटेंशियल जो बायर आया है या जो बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है आपके साथ, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करे और उसका थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो। टेस्टिमोनियल्स एंड रेफरेंसेस और the projects and product lists or services lists depending on ke aapka kya kaam karte hain, service provider hai ya product, to ye inki lists badi zaruri hai, acche tarike se present kare kyunki baaz dafa aap jaise aap apna company profile send karte hain to website bhi ek company profile hoti hai, to log dekhna chahte hain ki aap aaj se pehle kin kin company ke sath kaam kar chuke hain और उनके क्या रिमार्क्स हैं आपके बारे में, तो टेस्टिमोनियल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब उसमें आजकल के दौर के हिसाब से क्योंकि अब सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो सोशल मीडिया इंटीग्रेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपका तमाम कंटेंट शेयरेबल होना चाहिए,
और आप तकरीबन जो भी वेब सोशल मीडिया पाकिस्तान में ज़्यादा एक्टिवेट हैं जैसे फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन पिंटरेस्ट इंस्टाग्राम ये आपके कंटेंट में ये एबिलिटी होनी चाहिए उसकी प्लेसमेंट ऐसी करें कि उसके नीचे इंटीग्रेशन आ जाए सोशल मीडिया की कि आपका जो व्यूअर है आपका जो विजिटर है वो अगर उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ है और वो आपके साथ काम करना चाहता है और वो आपको रिकमेंड भी करना चाहता है तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली अगर आपका पेज आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विस को शेयर करना चाहे तो शेयरिंग बटन्स फॉर सोशल मीडिया के ज़रूर इंटीग्रेट करें अपने हर पेज में अपने हर प्रोडक्ट के साथ अपने हर सर्विस पेज के साथ ताकि आप ऑटोमेटिकली आप स्प्रेड आउट हो जाए सोशल मीडिया में। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स आते हैं। स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता लगता है कि आपकी जो वेबसाइट है कितनी कारामद है और कितनी अच्छी जा रही है, कितने लोग उसको विजिट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, आया ये आपको जो पोटेंशियल बायर था उस तक पहुँच रहा है या नहीं रहा है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे स्टैटिस्टिकल टूल्स मौजूद हैं, उनमें से किसी एक को इंटीग्रेट करें और उसमें आपको फिर बड़ी रियल टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस जेंडर से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, किस एज ग्रुप से आ रहे हैं, किस लोकेशन से आ रहे हैं। तो तमाम ये आपकी जो जियो एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और कई लोग तो एक कीवर्ड्स भी फॉलो करते हैं और ये भी बता देते हैं कि आपका जो ये विजिटर है उसका रूट क्या था, वो किस तरफ से आया, कि वो गूगल से आया, याहू से आया या किसी और वेबसाइट से आया। तो आपको ये भी पता लग जाता है कि आपकी जो या फेसबुक से आया या सोशल मीडिया किसी और वेबसाइट, तो आपको ये भी पता लग रहा है कि आपकी जो वेबसाइट पर जो आप एक्सटर्नल अपना एफर्ट्स कर रहे हैं टू बिल्ड ऑडियंस टू बिल्ड ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट वो उसका मेजर सोर्स कहाँ से आ रहा है, किस तरह, ताकि आप मज़ीद उसमें अपनी एक्टिविटीज़ और अपनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि लोग वहाँ पर उस में इंटरेस्ट लोगों में पैदा हो और मज़ीद आपकी वेबसाइट पर कन्वर्जन रेट बढ़े। तो ये छोटी सी थोड़ी सी बातें थी, ये ज़रूर इनका ख्याल रखें और इसके मतलब हम और भी एक कर लेंगे एपिसोड जिसमें टूल्स स्पेसिफिकली और जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं उनके मतलब उनके हिसाब से जो चीज़ें चाहिए होती हैं। अभी हम लेकिन हैं हम ई बिजनेस में ही, हम अभी ई कॉमर्स को नहीं जा रहे, ई कॉमर्स में हम इसके बाद जाएंगे जब हम ई बिजनेस और ई कॉमर्स का फ़र्क मैं आपको बता दें। जैसे ही हम ऑनलाइन कोई पेमेंट सिस्टम इन्वॉल्व कर देंगे कि अब आपका एक्शनेबल जो आइटम है वेबसाइट पे वो दैट इज़ परचेजिंग डायरेक्टली ऑनलाइन, तो फिर वो ई कॉमर्स में चला जाएगा। उसके अलग फीचर्स होते हैं, उसको हम अलग एक एपिसोड करके समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम सब ई बिज़नेस को देख रहे हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, जहाँ पे रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, आपको B2B भी हो सकता है, B2C भी हो सकता है, आपको गवर्नमेंट के इदारे वगैरह जो होते हैं वो चीज़ होते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा था, आगे और भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्पीड तेज़ हो गई है सब्सक्राइबर्स की, एंड थैंक यू वेरी मच और stay in touch. Allah Hafiz.